हेलो, इधर भाई हमारे दुरुक के हैं और ये वीडियो बना रहे थे। हमने भी सब्सक्राइब किया है और अच्छा लगता है कोई दुरुक का हमारा भाई जो है इतना दूर, जो कि अब विशाखापट्टनम हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगा कि आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी आगे बढ़ाइए और ये आगे पूरा एक एक चीज़ ऐसे दिखाते रहेंगे और कोविड के टाइम में आप घर बैठे इनका नज़ारा लीजिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका भी। तो ये भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कितने का दिया समोसा? तो देख सकते हो दोस्तों, तो हमको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे डाले हैं। देख सकते हो करो पे रुकती है ट्रेन, यहाँ पे थोड़ा स्टेशन मोड है तो यहाँ पे अभी अपन रुके हैं। और इधर देख सकते हो ऐसा है कुछ, और सामने में लाला गुड़ा वैप 7 के साथ पूरी अजमेर एक्सप्रेस अपना लोको रिवर्सल करते हुए। ये ट्रेन अभी जो है वो इस डायरेक्शन से आई थी, इधर तरफ से आई थी संबलपुर तरफ से, और फिर यहाँ पे इसका रेक रिवर्सल होगा। और जिधर से अभी अपन आए थे काटाबंजी रायपुर दुर्ग, तो उधर ही तरफ ये जाते हुए रायपुर दुर्ग नागपुर होते हुए ये अजमेर के लिए निकल जाएगी दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे इसका लोको रेक रिवर्सल हो रहा है, तो अभी यहाँ पे ये डिपार्चर लेगी। तो मैं आप वहाँ पे देखो, एक फ्रेट ट्रेन में WDG 3 देख सकते हो। तो ये तो निकल गई, अब अपना भी देख सकते हो गैस, अपना केसिंगा से डिपार्चर भी हो गया है। दो मिनट ही रुका और अपना डिपार्चर हो गया है। तो मस्त अपन यहाँ से अभी निकलते हैं, अब यहाँ से फिर देखते हैं आगे। आप देखते रहना वीडियो में, ज़रूर देखना आगे क्या क्या होता है। ये पहाड़ कैसा लगा इसको भी ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना पहाड़ कैसा लग रहा है। और
देख सकते हो ट्रेन बार बार मुड़े जा रही है। देखो सर, देखो दोस्तों, वहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर 2022 लिखा है। हर साल वहाँ पे उसको बनाते हैं, पता नहीं वहाँ पे कैसे चढ़ते होंगे, तो चट्टान जैसे वाले। और आगे देख सकते हो कितना धूप उड़ रहा है। यहाँ सिग्नल रेड है, वहाँ ग्रीन था, गजब है। पहाड़ कैसा चट्टान चट्टान टाइप का है और नीचे पूरा जंगल। ट्रेन अभी उधर मुड़ी थी, अब इधर मुड़ रही है। विशाखापट्टनम हज़रत निज़ामुद्दीन समता सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोनों समते एक दूसरे को क्रॉस किए हैं। तो देख सकते हो अपन निकल चुके हैं थेरुवल्ली से दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे का जर्नी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्रेन को ओवरटेक मारने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर उसका ओवरटेक हो जाएगा ना गैस, तो मज़ा ही आ जाएगा।
आज के जर्नी में एक और ओवरटेक हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखाना मिस कर दिया, भूल गया था, क्योंकि वो ट्रेन मैं उस टाइम पे दूसरे अपोजिट तरफ का वीडियो शूट कर रहा था, तो जो रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर है उसको उसी टाइम अपनी ट्रेन ओवरटेक कर दी थी, लेकिन वो वीडियो में आया नहीं। तो अभी देखते हैं, एक और ट्रेन है लेकिन चांस कम लग रहा है कि उसका ओवरटेक अपन करेंगे। पैरेलल रेस, ब्रिज जो था नीचे वाला जिसमें अभी अपन जा रहे हैं वो ना फ्लड के कारण गिर गया था, तो उसको एकदम अच्छे से बना दिए, तो अभी तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी अपन रायगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखो दूर दूर तक कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ट्रेन तो फिलहाल धीरे हो गई है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। हेलो, इधर भाई हमारे दुरुक के हैं और ये वीडियो बना रहे थे, हमने भी सब्सक्राइब किया है और अच्छा लगता है कोई दुरुक का हमारा भाई जो है इतना दूर, जो कि अब विशाखापट्टनम हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगा कि आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी आगे बढ़ाइए, और ये आगे पूरा एक एक चीज़ ऐसे दिखाते रहेंगे, और कोविड के टाइम में आप घर बैठे इनका नज़ारा लीजिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका भी।
तो ये भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपना कोच S4 है और इनका कोच S5 है, तो ये भी अपने घर के पास ही के हैं, दुर्ग के हैं, और मैं भी दुर्ग का ही हूँ, दोनों का डिस्ट्रिक्ट एक ही है। चलिए गाइस, मैं अब बस इतना बोल चुका हूँ पूरे जर्नी में कि अब बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन इस रूट का जो सुंदरता और खूबसूरती है वो बिल्कुल कम नहीं होगा। आप इस रूट में कितना भी ट्रैवल करो, आपको बार बार इस रूट में ट्रैवल करने का मन ज़रूर करेगा, क्योंकि इस रूट का बात ही कुछ और है। इतना खूबसूरत है ना कि मत पूछो गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका, ये ऑन टाइम आई थी तो इसका डिपार्चर टाइम हो गया, तो ये डिपार्ट कर ले रही है, लेकिन अपनी गाड़ी बिफोर टाइम आई थी और इसका अभी टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे ये 13:15 पे छोड़ेगी, तो उस टाइम मैं इसका डिपार्चर दिखाऊंगा। और अभी इसका देखा जाए तो अभी इसका और नियरली 9 मिनट ये यहीं पर रुके रहेगी। और देख सकते हो नागावली एक्सप्रेस निकल गई है। पेंट्री कार, इसमें भी पेंट्री कार मिलेगा। दूर की डिस्टेंस की ट्रेन है, संबलपुर से नांदेड़ तक चलती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन का भी सिटी बच चुका है। तो देखते हैं, देख सकते हो पे मोड़ रही है अपनी ट्रेन। सामने कोई एक स्टेशन आ रहा है अपना, तो वहाँ हॉल्ट नहीं है, सुपरफास्ट ट्रेन है अपनी, तो ऐसे छोटे स्टेशनों पे रुकना तो बनती नहीं है। बोले तो इस रूट की राजधानी टाइप समझ लो आप इसको। वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेन है और हफ्ते में 5 दिन चलती है, तो आप समझ सकते हो। और दिन में एक ही है, दिन की सुपर फास्ट ट्रेन है, सिर्फ दिन में एक ही ट्रेन मिलेगी आपको रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच। और अभी आपने कोई एक स्टेशन पे स्किप किया है, पता नहीं नाम क्या है, दिखा तो नहीं बीच में, वो बॉक्सन फ्रेट ट्रेन था। तो अभी देखते हैं, देख सकते हो आगे कैसे धूल जाती है अपनी जा रही है ट्रेन।
देख सकते हो दोस्तों, ये है WDG38 ट्विंस विशाखापट्टनम दोको साइड के। अब ये धीरे धीरे पूरे ख़त्म हो जाएंगे इस रूट में, और अब इस रूट में ही नहीं, ये पूरे अपने इंडियन रेलवेज में ख़त्म हो जाएंगे, अभी कभी नहीं दिखेंगे। तो उस चीज़ के लिए भी एक लाइक ठोक देना। आप देख रहे होंगे वीडियोस में धीरे धीरे इनकी आबादी, अब पूरे डीजल लोकोमोटिव ख़त्म हो रहे हैं, पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड होने के कारण अब जहाँ देखूँ वहाँ बस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से दिखेंगे। तो उस चीज़ को बहुत हम मिस करते हैं, तो उसके लिए भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिलहाल हम आ चुके हैं बोबली जंक्शन में, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है बोबली जंक्शन। तो हम आपको अब सीधा विजयनगरम जंक्शन पे मिलेंगे, तो वहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट रहेगा। तो स्टेशन में उतर के भी देखेंगे, आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या चीज़ कैसा है। तो ये देख सकते हो बोबली जंक्शन का। भिलाई के लोकोमोटिव इतने थे, पहली बार इस रूट में दिख रहे हैं, अच्छा लगा। मेरे होम टाउन के लोकोमोटिव से भिलाई, पल्ली को अपन स्किप करते हुए पल्ली स्किप्ट कोमाटीपल्ली डिलेड बाय 5 मिनट्स। स्किपिंग मनादम हॉल स्किपिंग। स्किपिंग गोटलाम, गाइस लग रहा है यहाँ पे इसका अनशेड्यूल्ड हॉल्ट होने वाला है। बिफोर टाइम चल रही है और अगला स्टॉप विजयनगरम है, अगला स्टेशन गोटलाम के बाद अगला स्टेशन विजयनगरम आता है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे इसको अनशेड्यूल्ड हॉल्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे ऑन टाइम पे लेके जाया जा सके। देखते हैं क्या होता है, आप वीडियो में तो बने रहिए। हाँ, तो यहाँ फाइनली अपना अनशेड्यूल्ड हॉल्ट हो गया, तो देख सकते हो गोटलाम का रेलवे स्टेशन। पूरी अपनी समता एक्सप्रेस खाली है, बाजू में ही फ्रेट ट्रेन है और सामने से कोई ट्रेन का क्रॉसिंग होने जा रहा है।
वाइवा WP4 रेस्टिंग एट विजयनगरम। समता एक्सप्रेस एंटरिंग इनटू विजयनगरम। एंड रायपुर, देखो दोस्तों रायपुर विजयनगरम वोल्टेयर लाइन जो है वो यहाँ पे हावड़ा चेन्नई मेन लाइन में मर्ज हो रही है, साथ में उसमें जुड़ जा रही है ना, तो इसलिए ये जो है विजयनगरम जंक्शन बनता है। ये जो लाइन ऐसे सीधा जो है ये इधर हावड़ा की तरफ जाएगी, कलकत्ता तरफ। अब ये हावड़ा आगे फिर अगरतला होते हुए अब आगे पूरा ईस्ट में चले जाता है, और ये जो है इधर ये लाइन जो है आगे विशाखापट्टनम होते हुए चेन्नई चले जाएगी। तो देख सकते हो उधर, वहाँ पे देख सकते हो पानी कैसा भरा है पूरा पीछे में, बैक में समुंदर टाइप, लेकिन वो समुंदर नहीं है। हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, और अपन इसमें फाइनली अपनी ट्रेन जो आज रायपुर विशाखापट्टनम जो लाइन दिखाना था आपको वो जो है अब हावड़ा चेन्नई मेन लाइन में बदल गया। तो यहाँ पर अपन मर्ज हो चुके हैं, देख सकते हो। यहाँ पे एक VSKP का WAP 7 और एक VSKP का WAP 4, दोनों WAP 7 और WAP 4 विशाखापट्टनम गई है रेस्टिंग पे विजयनगरम में, देख सकते हो। इस चीज़ के लिए भी एक लाइक कर देना। ये पूरा विजयनगरम का यहाँ पे बस वस रहता है। और देखो अपना जो देश का झंडा है रायपुर में दिखाया था, अब उसके बाद फिर यहाँ पे एकदम शान से लहरा रहा है, तो इसको एक सल्यूट है। और हम आ चुके हैं विजयनगरम, और अगला स्टॉप छोड़ के उसके अगला स्टॉप जो है वो अपना ही रहे, अपन सीधा विशाखापट्टनम में उतरेंगे। तो अपन पहुँच चुके हैं अब विजयनगरम में, देखो एक लुक विजयनगरम का। तो गाइस अपन यहाँ पे 20 मिनट के डिले से पहुँचे हैं, सोचे थे ऑन टाइम पहुँचेंगे लेकिन यहाँ पे लेट हो गई गाड़ी, और यहाँ पे 20 मिनट डिले के साथ आए हैं। अब देखते हैं विशाखापट्टनम तक ये अपना कवर करेगी कि नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखते हैं, यहीं पर उतर गए भाई, हो गया जर्नी ख़त्म, मिल गया, अच्छा लगा भाई। तो चलो गाइस चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा नहीं 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। समोसा
स्किपिंग कोरुकोंडा, कोरुकोंडा को क्रॉस कर रहे हैं देख सकते हो दोस्तों। नियरली 90 के किलोमीटर पर आवर में अपन ने इसे स्किप किया है अभी। तो इसको एंजॉय करो दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये समता सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जर्नी कैसा लगा, और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप भी इस रूट को ज़रूर से एक बार ट्राई करें, आप निराश नहीं होंगे, बल्कि आपका मन करेगा फिर से दोबारा इस रूट में आने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मंदिर की तरफ, बाकी आप वीडियो में बने रहिए। आंध्र प्रदेश में कितना हरियाली है, ये नहीं बोलूँगा कि उधर हमारे तरफ हरियाली नहीं है, लेकिन इस हरियाली के लिए भी लाइक कीजिए वीडियो को, देख सकते हो। पहाड़ वहाड़, हाँ लेकिन हमारे तरफ पहाड़ नहीं मिलेगा हमारे स्टेट में जिधर हम रहते हैं। वैगनाइन था, WG9 गोमो का था, और अल्मंडा को अपन स्किप कर रहे हैं फिर भाई ऑलमोस्ट 80-90 के MPH पे। स्किपिंग अल्मंडा, बाकी आपको ट्रैक साउंड कैसा लग रहा है वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओवरटेकिंग द फ्रेट एट 100 एट नियरली 90 एमपीएच। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है दोस्तों कि कभी कोई LHB की ट्रेन को, और ख़ास करके LHB फुल्ली AC ट्रेन को
एक रुकवा कर एक नॉर्मल ICF सुपर फास्ट एक्सप्रेस को क्रॉस करवाया जाता है, तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताना कि ये आपको कैसा लगता है। ज़रूर निकल गई वो भी विशाखापट्टनम शाली मार के निकल गई। Unscheduled halt at Pendurthi.
के स्ट्रेटेजिक रेट्स भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों मेरे को इस स्टेशन में उतर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से घर पास पड़ेगा। एक्चुअली जहाँ पे पहले रुका था अनशेड्यूल्ड हॉल्ट हुआ था पेंदुर्ती में, वहाँ पे मैं उतर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से पास मेरा 1 किलोमीटर दूर घर है अभी। लेकिन मैं आप लोग के लिए विशाखापट्टनम तक जाऊँगा और वहाँ से मेरे को वापस आने में एटलीस्ट 18 किलोमीटर का कवर करना पड़ेगा। वापस मेरे को बैक ही आना है, लेकिन मैं आप लोग को ये चीज़ दिखाने के लिए मैं विशाखापट्टनम तक जा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो जो है बस 5 से 6 मिनट में एंड होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए डिपार्चर होने वाला है तो अपन चढ़ते हैं। गाड़ी लेट हो गई है, 16:30 इस टाइम तक अपन को जो है विशाखापट्टनम में पहुंच जाना चाहिए ऑन टाइम होगा तो। लेकिन अभी देखते हैं विशाखापट्टनम यहाँ से 8 किलोमीटर और वहाँ का क्या कंडीशन रहता है। हॉर्न तो मिल गया, तो चलिए नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो इसे ट्रेन आने के लिए एकदम रेडी में है, तो बहुत भीड़ है यार हिमाचलम रेलवे स्टेशन में। तो चलिए अपन मिलते हैं, डिपार्चर देख लेते हैं। समता सुपर फास्ट एक्सप्रेस माय फेवरेट ट्रेन। आज फाइनली मैं सिंहाचलम के आगे ट्रेन से जा रहा हूँ विशाखापट्टनम, तो एक अलग ही खुशी भी हो रहा है। लेकिन मुझे वापस नहीं आना है तो वो भी एक बात है। तो इसको तो इस पूरे 8 किलोमीटर में मैं जर्नी करूँगा और फिर दरवाजे के पास से कैप्चर करूँगा। तो देखते हैं सिकंदराबाद भुवनेश्वर विशाखा एक्सप्रेस। विशाखा एक्सप्रेस। तो दोस्तों फाइनली अपन को सिग्नल मिल चुका है, प्लेटफॉर्म खाली नहीं था तो इसलिए आउटर में रोके हैं। नहीं तो अगर लेट हुई थी गाड़ी और अगर प्लेटफॉर्म खाली रहता तो उसको आउटर में नहीं रोकेगा, सीधा अंदर ही डालेगा। तो अभी एक ट्रेन निकली, उसके बाद ये एक और कोई सी ट्रेन है LHB में VSKP के लोगों के साथ। VSKP का वैप 7 है। नाम देख लो, कोणार्क एक्सप्रेस। कोणार्क
कोणार्क एक्सप्रेस अगर तिरुपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस। वहाँ पे देखो VSKP का वैग 500 है और यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है काम। देख सकते हो पिग्स के छोटे छोटे बच्चे और पिग्स। तो ये सामने जो है ये देख सकते हो ये है 22596 विजयवाड़ा का वैग 4। ठीक है, ये वैग 4 हो गया। अभी और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो गाइस पूरे लाइन से देखो विशाखापट्टनम विजयवाड़ा विशाखापट्टनम बस यही लोकोस आपको दिखेंगे। विजयवाड़ा विशाखापट्टनम लालागोड़ा ज्यादा तो विशाखापट्टनम के लोकोस से। और देखो पीछे वो सीन देखो, उस चीज के लिए लाइक करना। घर लोग देखो पहाड़ के ऊपर कैसे बने। तो इस एक चीज के लिए रेल फैन भाई लोग सब लोग मेरे वीडियो को एक एक लाइक कर देना। गुटी का एक WDP40 है ना। और दिखाता हूँ। और देखो ये है इटारसी का वैग 4 और साथ में उससे भी तगड़ा चीज दिखाता हूँ जिसके लिए आप एक लाइक जरूर करना। देखो वो देखो पहली बार मैं समता एक्सप्रेस में समता सुपर फास्ट में विशाखापट्टनम में एंट्री मारते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। आगे नहीं जा सकते, टर्मिनेट हो जाता है आगे, बस समंदर ही समंदर है। तो जो भी ट्रेन यहाँ पे आती है कैसे बोला जाए तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, यहाँ से वापस होती है ट्रेन। जो भी यहाँ आती है वापस उसका रिवर्सल होकर वो वापस दूसरे दिशा में जाती है। तो देख सकते हो अभी कुछ ऐसा है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अपनी मंजिल पे आ गई ये ट्रेन और मैं भी अपने मंजिल पे आया हूँ। ये जो रेक है गैस ये कल वापस कल सुबह 9:20 में यहाँ से हजरत निजामुद्दीन न्यू दिल्ली के लिए चल देगी। देख सकते हो रेलवे स्टेशन अभी फिलहाल कितना गंदा है नीचे में, तो इसका सफाई भी करेंगे। A1 के टिकरे का रेलवे स्टेशन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ गैस। यहाँ पे अभी कचरा है तो है लेकिन ये स्टेशन A1 कैटेगरी में आता है जब अपना रायपुर जंक्शन, मैं भी रायपुर का हूँ। देख सकते हो विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर है, पैसेंजर या एक्सप्रेस जो भी है। तो चलिए फटाक से उतरते हैं। 5:36। तो गाइस आज का अपना जर्नी यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले मस्त एक वीडियो में, अगले मस्त एक जर्नी में, जर्नी तो नहीं वीडियो में ही। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सब लोग खाते पीते रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और देखो गाइस एरोप्लेन दिखाता हूँ आपको। देखो देख सकते हो क्या नीचे से जा रहा है ना। तो इस चीज़ के लिए भी एक लाइक कर देना, ठीक है। और ये विशाखापट्टनम का एंट्रेंस है, मेन गेट देख सकते हो।
पीछे मस्त स्टीम इंजन के साथ, और ये ऊपर में अपना झंडा शान से लहरा रहा है। जय हिंद जय भारत।